हिमाचल के सिविल अस्पताल ज्वाली में 67 आशा वर्करों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं। यह फोन विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने प्रदेश सरकार की एक योजना के तहत वितरित किए हैं। अस्पताल पहुंचने पर विधायक का बीएमओ डॉक्टर रंजन मेहता, एसएमओ डॉक्टर अमन दुआ सहित समस्त स्टाफ ने उनका स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर विधायक ने ज्वाली की समस्त आशा वर्कर्स को मुख्यमंत्री द्वारा जारी प्रशंसा पत्र व मोबाइल भेंट किए हैं। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति में कार्य करने के लिए आशा वर्करों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स व डॉक्टरों की सराहनीय भूमिका रही है और प्रदेश सरकार ने भी आशा वर्करों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने आशा वर्करों को प्रोत्साहन हेतु पहले 2,000 की राशि प्रदान की, वहीं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की और अब आशा वर्करों को एंड्रॉइड मोबाइल फोन भेंट किए हैं। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और मैं आपके साथ साथ मेरे निजी चिकित्सक भाई जहाँ बैठे हैं इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका जितना स्टाफ है सबका, जहाँ का भी करता हूँ, पूरे प्रदेश का भी करता हूँ, अपने पूरी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ही इतना प्रयास किया, इतना प्रयास। अगर कुछ लोग चर्चा करते हैं कि आशा वर्कर का क्या काम, कुछ बोलते हैं MPW क्या कर रहे, कुछ बोलते हैं JEE क्या कर रहे, और कुछ बोलते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन बड़े गलत समय पे लगा दिया। अगर लॉकडाउन नहीं होता समय पर, एक घर घर में घूमने वाली आशा वर्कर बहन ना होती, एक चिकित्सक ना होता, एक उनका सहयोगी ना होता, तो शायद आज हम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान से भी आगे चले गए मौतों कि आपका 6 करोड़ कुछ लाख रुपए का एक एडिशनल ब्लॉक हमारे यहाँ डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, पेशेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, तो वो सेक्शन हो गया बाहर हिमाचल प्रदेश की सरकार से। और टोकन बजट डालती है सरकार, 5 लाख रुपया आपके खाते में डाल दिया, मैंने पूछा PW वालों के पास आ गया, बाकी पैसा भी जल्दी आ जाएगा। तो मेरी चिकित्सक भाइयों से निवेदन रहेगी कि आप चिकित्सक के रूप में काम, ब्लॉक का सवाल है, पूरे ब्लॉक का बहुत अच्छा स्टाफ है मेडिकल का, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरी सिस्टर बहनें भी बहुत अच्छी हैं, हमारी फीमेल हेल्थ वर्कर भी बहुत अच्छी हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, डॉक्टर जहां बैठे हैं जितने, भगवान के बाद अगर किसी को देखा जाता है तो वो होता है हमारा भगवान। हम बात बोलते हैं फंस जाते कोई बात, तो भाई अब भगवान का दूसरा रूप है, तो मेरी डॉक्टरों से भी निवेदन रहेगी कि आप अच्छा अच्छा करें। गायनी की डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर हैं, और जो हमारा हॉस्पिटल हमारी डिलीवरी वाली बहनें आती है, रेफर हो जाती है धर्मशाला, नूरपुर, कहीं कहीं, मेरी आपसे निवेदन रहेगी, नूरपुर में भी शायद डॉक्टर गायनी की डॉक्टर थी, वो चली गई है बेचारी छोड़कर, हमारे जही है। तो मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर मेहता जी को कि हमारे बहन इस तरह से टांडा और नूरपुर रेफर नहीं होनी चाहिए, नूरपुर रेफर नहीं होनी चाहिए। मैंने बड़ी जोर लगाया, आप मान लेते 3 साल पहले यहाँ एक या दो डॉक्टर पूरे नहीं हुए, कभी नहीं पूरे हुए, आप तो सब परिचित है जितने जगह बैठे, कभी नहीं हुए। मेरी हर समय लड़ाई एक ही रहती है कि ज्वाली में अच्छे डॉक्टर जाए, अच्छे जाए, बच्चों वाला भी जाए। नया जो ब्लॉक सेंक्शन हुआ है, हम कोशिश करूँगा बहुत जल्दी पैसा मिले और इसका काम भी शुरू हो जाए। नगरोटा सूर्या में भी हमें
5 करोड़ कुछ लाख रुपया सेक्शन हुआ, 50 लाख रुपया डाल दिया, टेंडर हो गया, चाहे आज खुल गया जब पिछले कल खुल गया मांग बिल्डिंग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.